नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। कैबिनेट का फैसला, पर्यटन विकास के लिए निजी सेक्टर को 90 साल के पट्टे पर दी जाएगी जमीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट के निजी क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भूमि लीज नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित सरकारी लैंड बैंक के भूभाग को बिना किसी बाधा के पट्टे पर देने की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रस्ताव के मुताबिक भूमि को शासन की अन्य भू आवंटन नीतियों के अनुसार 30-30 वर्ष के तीन चरणों में अधिकतम 90 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। प्रस्तावित नीति के माध्यम से उन निवेशकों को भूमि के सरल तरीके से आवंटन की सुविधा प्रदान की जाएगी जिसके पास पूंजी निवेश के लिए परिपक्व प्रस्ताव तैयार है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया है कि पर्यटन नीति 2022 का उद्देश्य पर्यटन में वृद्धि एवं पर्यटन सुविधा विकसित किए जाने के लिए राज्य में पर्यटन उद्योग को देश के सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करना है। विभाग द्वारा पर्यटन संबंधी आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए सरकार द्वारा सीधे या सार्वजनिक निजी सहभागिता PPP के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए मजबूत भूमि बैंक बनाया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।